सतना में एक युवा समाज सेवी संस्था द्वारा स्वच्छता को लेकर अलख जगाई जा रही है, जिसमें युवा वर्ग शहर के छोटे बड़े दुकानदार एवं वार्ड में जाकर शहर को स्वच्छ बनाने के लिए शपथ दिलाकर अपील कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारा शहर स्वच्छ रहेगा तब हम स्वच्छ रहेंगे। युवाओं की यह संस्था आरंभ युवाओं की नई सोच समिति संस्था है, जो नगर निगम के अंतर्गत यह कार्य कर रही है। उनका कहना है कि इंदौर सिटी स्वच्छता में नंबर वन मानी जाती है, ऐसे में बाकी जिलों में स्वच्छता को प्रयास किया जाता है। इसी के तहत सतना शहर को स्वच्छ बनाने के लिए लोगों के घर एवं छोटे मोटे दुकानदार सहित प्रतिष्ठानों में जाकर शपथ दिलाकर शहर को स्वच्छ रखने की अपील कर रहे हैं, जिसमें लोगों के घरों एवं दुकानदारों से निकलने वाले गीले एवं सूखे कचरे को अलग अलग डस्टबिन में रखने की समझाइश दी जा रही है और उस कचरे को कचरा गाड़ी में डालने के लिए अपील की जा रही है। डालूंगी मैं अपने गली मोहल्ले एवं शहर को स्वच्छ रखने में अपना यथा संभव योगदान दूंगी। हमने ये ठाना है, ये सतना नगर निगम के द्वारा ये जगाई जा रही है और सभी जितने भी दुकानदार हैं और सब्जी मंडी है, घर घर जाकर और सभी दुकानदारों से आग्रह कर रहे हैं कि आप जब भी घर से निकले तो एक झोला जरूर लेकर निकले और पॉलीथीन का इस्तेमाल कम से कम करें। ये सतना नगर निगम सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत ये जागरूकता कार्यक्रम लगातार चल रहा है। आज लगातार हम लोग घरों पर जा रहे हैं और जैसा कि हम सभी को पता है, हमारे मध्य प्रदेश में इंदौर शहर है जो स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर वन में आता है, लेकिन वहाँ पर क्या है, लोग जागरूक है, इसलिए हम घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखें और जो भी कचरे वाली गाड़ी आती है उनमें उनको बताकर ही वो अलग अलग रखना है। सभी की प्रक्रिया बहुत अच्छी आ रही है, सभी जागरूक होना चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि हम कचरा मैदान में ना फेंकें, हम अपने घर से जो भी कचरा निकले कचरे वाली गाड़ी में ही डालें। सभी का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, सभी चाहते हैं कि अपना शहर स्वच्छ हो, हमारी गली स्वच्छ हो, हमारा मोहल्ला स्वच्छ हो और सभी हमारे साथ इसमें इस मुहिम में जुड़कर पूरे योगदान के साथ और पूरे हर्ष उल्लास के साथ हमारा सहयोग कर रहे हैं। जो भी छोटी छोटी दुकानें हैं वहाँ पर भी हम जाकर वो जो सब्जी मंडी है उन्हें भी शपथ दिला रहे हैं, वो भी शपथ ले रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि हम भी अपने पास डस्टबिन रखेंगे और हमारा जो भी कचरा बचता है, सब्जियाँ बचती हैं, उसे उसी डस्टबिन में रखेंगे और जब कचरे वाली गाड़ी आएगी उसमें हम डालेंगे। हम लोग की ये 15 लोगों की टीम है जिसमें 7 लड़कियां हैं, बाकी लड़के हैं और लगातार हम सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक हर वार्डों में जाकर लोगों को ये शपथ दिला रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए सतना से प्रदीप कश्यप की रिपोर्ट।